आज की वैकेंसी में रोहतक वासियों के लिए लेके आ चुका हूँ। जिन भाइयों की रिक्वायरमेंट आई थी सर हमें रोहतक के लिए वैकेंसी बताएं, तो उनके लिए मैं काफ़ी सारी वैकेंसी लेके आया हूँ। जिन पर्सन ने MIS एग्जीक्यूटिव के अंदर जॉब करनी है, जिस पर्सन ने कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब करनी है, एज ए टेलीकॉलर के लिए जॉब करनी है, या CNC ऑपरेटर के लिए जॉब करनी है, या IT कंपनी के अंदर जॉब करनी है, या हार्डवेयर नेटवर्किंग के अंदर जॉब करनी है, तो आज की वीडियो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि देविंदर छाबड़ा शिव जॉब कंसल्टेंसी करनाल से आज को आपको रोहतक वासियों के लिए सारी वैकेंसी लेके आ चुका हूँ, जो कि 20 अगस्त के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए आए इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली जो वैकेंसी है वो MIS एग्जीक्यूटिव के लिए है, वो लोकेशन आपको सेक्टर 14 की मिल जाएगी। इसके अंदर मेरे पास मेल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जिस पर्सन को MIS एग्जीक्यूटिव के बारे में नॉलेज हो, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है, वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने वीडियो के अंदर अपना नंबर दिया है, इस पर मुझे अपना CV जरूर शेयर करें, क्योंकि एक रेपुटेड कंपनी है उसके अंदर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आई है। और जो दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह एक IT कंपनी है, उसके अंदर मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर की फ़ोटो स्टूडियो के लेवल पर भी जिसको पर्सन ने काम किया हो, या वेब डिजाइनिंग में, या ऑटो कैड के बारे में, 2D 3D मैक्सिंग के बारे में, या HTML लैंग्वेज से रिलेटेड जिस पर्सन ने नॉलेज हो, वो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो अशोका प्लाजा की एक लोकेशन मिल जाएगी, उसमें सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल जाएगा। और एक ये रेपुटेड कंपनी है, IT कंपनी है, इसके अंदर आपको संडे और सेकंड जो सैटरडे होता है उसके अंदर आपको वीकेंड मिलेगा, इससे आपका बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसमें फ्रेशर पर्सन भी और एक्सपीरियंस पर्सन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिस पर्सन को वेब डेवलपर के बारे में नॉलेज हो, या एंगुलर के बारे में नॉलेज हो, या ग्राफिक डिजाइनर के बारे में नॉलेज हो, या किसी भी प्रकार की लैंग्वेज से रिलेटेड, या फ़ोन ऐप के बारे में नॉलेज हो, तो ये IT कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं। तो मैंने स्क्रीन पर अपना वीडियो पर नंबर दिया है, इस पे अपना आप CV भेजें तो मैं आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके दे दूंगा, और मंडे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जो टेलीकॉलर की जॉब आई है वो फीमेल पर्सन के लिए आई है। उनका काम होता है कि जैसे आपने ऑनलाइन आज के टाइम में ऑर्डर मंगवाते हैं, तो उनका जैसे ऑनलाइन सूट्स का काम होता है, तो आपको कॉटन स्केच कपड़े वगैरह होते हैं, तो उनके ऑनलाइन सेलिंग का काम करना होता है, तो उनको टेलीकॉलर के लिए और कंप्यूटर के लिए रिक्वायरमेंट है। जो पर्सन फीमेल पर्सन जॉब करना चाहते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही रेपुटेड लोकेशन है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ उसके अंदर की, ये मॉडल टाउन की लोकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक रेपुटेड कंपनी के अंदर हमारा पास टाइप हुआ है, उनको 5 से 6 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। और भी अच्छी कंपनियाँ निकली हैं, जिस पर्सन को CNC ऑपरेटर के बारे में नॉलेज हो, वो हिसार बाईपास के पास की लोकेशन मिल जाएगी, उसके अंदर वो अप्लाई करना चाहते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो फ्रेशर को देती है 10 से 15 हज़ार रुपये तक की सैलरी, और एक्सपीरियंस को एज ए इंटरव्यू पर सैलरी मिल जाएगी। इसमें ओनली मेल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, बाकी वाले पर्सन में मेल पर्सन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। और जो हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर की कंपनी है वो बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, उसके बारे में हम आप हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर की सैलरी 14 हज़ार रुपये तक की रहेगी, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसको अप्लाई करते हैं तो 20 हज़ार रुपये तक की वो सैलरी आपको मिल जाएगी। ये एक टेलीकॉम की कंपनी है और लोकेशन आपको सेक्टर 14 की मिल जाएगी। दूसरी कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक कंपनी है, उसके अंदर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आई है, मेल पर्सन और फीमेल पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनका काम है वेब डिजाइनर के लिए और ग्राफिक डिजाइनर के लिए रिक्वायरमेंट है। जिस पर्सन को गूगल एड के बारे में कुछ नॉलेज हो, या ऑनलाइन एड्स वर्किंग कर सकते हैं, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो शीतल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये रेपुटेड कंपनी है, उसके अंदर ये अप्लाई करना चाहेंगे, तो मैंने अपने स्क्रीन के अंदर अपना नंबर दिया है, वो इस पर जाके अपना CV शेयर करें, क्योंकि मुझे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके देनी है, और आपको एक रेपुटेड कंपनी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उनकी जो सैलरी है वो 15 हज़ार फ्रेशर को देते हैं, और एक्सपीरियंस पर्सन को 40 हज़ार रुपये तक की सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं। और उसके अंदर एक रेपुटेड कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा कि सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। जो तीसरी कंपनी है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए है, जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेल्स करने का काम रहता है, तो वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हुड्डा कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे पास रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर मेल पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्थ कंपनी आई वो एक हार्डवेयर नेटवर्किंग की कंपनी है,
उस कंपनी के अंदर जिस पर्सन को लैपटॉप के बारे में रिपेयरिंग करने के बारे में नॉलेज हो वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने अपना CV अपने इसी नंबर पे मुझे शेयर करें तो मैं आपको टाइम लेके दे पाऊँगा। ये सारी वैकेंसी मैं आपको रोहतक के अंदर की बता रहा हूँ और ये आपको लोकेशन मिल जाएगी सोनीपत रोड के अंदर की, आपको लोकेशन मिल जाएगी। एक हार्डवेयर नेटवर्किंग कंपनी का इनका ऑफिस है, तो उनको रिपेयरिंग के लिए एक पर्सन की जरूरत है, जो इसको पर्सन को लैपटॉप के बारे में या आपको पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज होती हैं उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिफ्थ कंपनी है वो टेलीकॉलर के लिए आई है, वो एक कॉटन की कंपनी है, उनको टेलीकॉलर के लिए फीमेल लड़की की जरूरत है। और इसमें जिस पर्सन को कंप्यूटर बेसिक आता हो, ईमेल वगैरह करनी आती हो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सैलरी वो आपको 10,000 रुपये तक की दे देंगे। और यह हिसार बाईपास की रोड की लोकेशन भी है मेरे पास और मॉडल टाउन के अंदर भी ये लोकेशन मिल जाएगी। जो छठी वैकेंसी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो CNC ऑपरेटर के लिए है, जिस पर्सन ने मैकेनिकल लाइन में जॉब की हो, CNC ऑपरेटर मोल्डिंग जंक्शन के बारे में नॉलेज हो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको मैं लोकेशन बताना चाहूँगा, हिसार बाईपास के पास एक रेपुटेड कंपनी है, मैनुफैक्चरिंग कंपनी है, उसको चाहिए। और जो लास्ट कंपनी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज की मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी लगी है, वो एक उस कंपनी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, वेब डेवलपर की उनको रिक्वायरमेंट है। वेब जिस पर्सन को ऐप डेवलपर के बारे में नॉलेज हो या वेब डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज हो या एंगुलर के बारे में नॉलेज हो या HTML लैंग्वेज से रिलेटेड, C++, जावा, .NET से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की आपको IT कंपनी के बारे में नॉलेज हो, फ्रेशर पर्सन हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो कंपनी आपको हायर करेगी। एक रेपुटेड कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आपको सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। और ये जो आपको मैंने आज 7 वैकेंसियाँ बताई हैं, तो इसके अंदर कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि मैं आपको करनाल से आपके ये वर्किंग कर रहा हूँ, जितनी भी रेपुटेड कंपनी आएंगी मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और जो मैंने पहले वाली वीडियो आपके लिए बनाई है वो भी अभी वैकेंसियाँ रनिंग में चल रही हैं, आप इस पर जाके, जैसे मैंने आई बटन दिया है उस पर जाके भी आप अपनी रोहतक की वैकेंसियों को सर्च करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जब वीडियो ये लेट मिलती है तो मैंने अपने वीडियो के अंदर नंबर दिया है, तो इस पर आप अपना CV जरूर शेयर कीजिए और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपको किस प्रकार की जॉब की जरूरत करनी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा। और इसके अलावा मेरे पास रोहतक के अंदर बजाज कैपिटल के अंदर रिक्वायरमेंट आई है, जो फीमेल पर्सन या मेल पर्सन जॉब करना चाहती हैं और एक रेपुटेड बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहती हैं, तो वो बजाज कैपिटल के अंदर की आपको जॉब मिल जाएगी। उसके अंदर जो आपको काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंडोर सेल्स के अंदर आपकी वर्किंग रहती है। दूसरा उनका लड़का चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए, जिनका काम रहेगा वो आपको अपने शोरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको बैठने का मौका मिलेगा, वहाँ पर जो पर्सन आते हैं तो उनका नंबर नोट करने होते हैं और उसके बाद उनको वो ब्रांच के अंदर आपको सबमिट कराने का काम रहता है। दूसरा जो उनके पास चाहिए इंडोर सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, बेसिक सैलरी आपको 14,000 देंगे। उनका काम रहता है कस्टमर डीलिंग करने का, तो बिल्कुल सीटिंग जॉब रहेगी। आप इसमें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करें और आपको जिस प्रकार की जॉब की रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं अभी रोहतक के लिए ही वर्किंग कर रहा हूँ, आपका काफ़ी अच्छी कंपनियों से आज रिस्पांस भी मिला है, तो आशा करूँगा कि आप आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस पर्सन को किसी भी प्रकार के अंदर जॉब करनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर में, टेलीकॉलर में, मार्केटिंग में, सेल्स एग्जीक्यूटिव में, और इसके अलावा सिविल इंजीनियर के अंदर भी जॉब करनी है या मैकेनिकल लाइन में CNC ऑपरेटर के अंदर जॉब करनी है या MIS एग्जीक्यूटिव के अंदर जॉब करनी है, तो ये सारी वैकेंसी आज की डेट की मैं आपको बता रहा हूँ। ये 19 अगस्त के अंदर मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप इसको, चलो कल तो संडे रहेगा, मंडे से इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको करें। और आपको किसी प्रकार की इंक्वायरीज है, आपको अभी मैं स्कूल के अंदर भी वर्किंग कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों की इंक्वायरीज आई है कि स्कूल के अंदर भी जॉब करनी है, तो मैं आपको स्कूल के अंदर की भी जॉब की वैकेंसी मैं आपको बताऊँगा। अभी कंपनियों के नाम भी मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, तो आपको मेरे चैनल पर नए आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ये रोहतक वासियों के लिए जितने भी ज़्यादा मेरे से वैकेंसियाँ हो पाएंगी मैं आपके लिए करूँगा। और आपको इसी तरीके से अपने वीडियो को अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस प्रकार की जॉब करनी है, तो मैं वो उसमें दिलवाने में सहायता करूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।